नमस्कार, मीडिया हलचल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मानशु। उत्तराखंड की सियासत में बयान वीरों का भूचाल देखने को मिल रहा है और बयान वीरों में शीर्ष पर अगर कोई है तो वो है नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत। तीरथ सिंह रावत के एक के बाद एक ऐसे बयान सामने आ रहे हैं जिससे यही कहा जा सकता है कि बदजुबानी तेरा ही आसरा। वो इसलिए क्योंकि मूल मुद्दों पर तो काम हो नहीं रहा है, बदजुबानी करके लोगों को भ्रमित किया जा रहा है और मुद्दों से ध्यान हटाने की कोशिश की जा रही है। और ये अगर कहा जाए तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी क्योंकि उत्तराखंड की सियासत में पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके के हालात देखने को मिल रहे हैं वो हालात कई संकेत देते हैं। सबसे पहले नेतृत्व परिवर्तन किया गया, पुराने सीएम को ये कहकर हटा दिया गया कि उनकी वजह से बीजेपी की छवि खराब हुई और नए सीएम तीरथ सिंह रावत को जिम्मेदारी दी गई। नए सीएम तीरथ सिंह रावत ने फैसले बदलने शुरू किए पुराने सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के, तो त्रिवेंद्र सिंह रावत की मीडिया में आकर उन्हें नसीहत देते दिखाई दी। अब नए सीएम ने एक और नई रवायत शुरू कर दी है और वो रवायत है बदजुबानी की। पहले उन्होंने फटी जींस यानी रिप जींस को लेकर बयान दिया और अब बच्चों की पैदाइश को लेकर एक ऐसा बड़ा बयान तीरथ सिंह रावत ने दिया जिससे उत्तराखंड की सियासत में भूचाल है और विपक्षी दल हावी। इसके अलावा अमेरिका का गुलाम भारत को बना दिया तीरथ सिंह रावत ने, वो भी 200 साल के लिए। इतिहास का ज्ञान भी उनका सामने आया, उसके बाद कई सवाल उठने लगे। अब मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस सवाल दाग रही है कि आखिर क्या कर क्या रही है बीजेपी, आखिर बीजेपी के नेता प्रदेश के बिगड़े हालातों को संभालने पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे, नए मुखिया प्रदेश में बिगड़े हालातों को सुधारने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे। एक के बाद एक विवादित बयान दिए जा रहे हैं, क्या ये इनकी रणनीति का हिस्सा है? कांग्रेस का कहना है कि मूल मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए बीजेपी ने ये एक रणनीति बनाई है और इस रणनीति के तहत ही मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के एक के बाद एक विवादित बयान आ रहे हैं ताकि आवाम का ध्यान मूल मुद्दों से हटाया जाए, ये कांग्रेस का कहना है। कांग्रेस जिस तरीके के अंदेशे जता रही है, क्या ये अंदेशे सही साबित होंगे? कांग्रेस का ये भी कहना है कि जो ओपिनियन पोल्स सामने आए उसमें बीजेपी की हार दिखाई दे रही है। अब तीरथ सिंह रावत के बयानों को रोकने की कोशिश करने की बजाय उनको खुली छूट दे दी गई है कि वो चाहे कुछ भी करें ताकि जब बीजेपी की हार हो तो इन बयानों को आधार बनाकर कहा जाए कि तीरथ सिंह के बयानों की वजह से पार्टी को नुकसान हुआ है, ये कांग्रेस का कहना है। क्या कांग्रेस जो अंदेशे जता रही है वो सही है? क्या बीजेपी ने बेलगाम बयानबाजी की खुली छूट दे रखी है? क्या तीरथ सिंह रावत मूल मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए इस तरीके का बयान दे रहे हैं या फिर तीरथ सिंह रावत की एक रणनीति है? इन सवालों के जवाब हम आपसे जानना चाहते हैं। आपका तजुर्बा, आपका नजरिया क्या कहता है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इसके अलावा हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फेसबुक पर अगर हमारा ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और वीडियो यहाँ से भी शेयर करते रहिए। ताज़ा तरीन जानकारी अपने दोस्तों, अपने करीबियों तक पहुँचाते रहिए।